हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित और आज हमारा जो वीडियो है वो है टाइम टू डांस ऑफिशियल ट्रेलर। ये नई मूवी आ रही है टाइम टू डांस, 12th of March को ये रिलीज़ हो रही है। बेसिकली ये एक डांस फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है स्टैनली डिकोस्टा ने। इसके प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार और जो इसकी प्रोडक्शन कंपनी वो है टी सीरीज़। और जो इसमें कास्ट है, लीड रोल जो है वो है सूरज पंचोली का, इजाबेल कैफ, राजपाल यादव और वालुशा डिसूजा का। ये मूवी काफ़ी सारी बेसिकली एक डांस मूवी ही है, जैसे पहले ABCD आई थी। और इसके डायरेक्टर कहीं ना कहीं जो डांस डायरेक्टर हैं वो रेमो डिसूजा ही हैं। और इसमें पहली बार बॉलीवुड में इजाबेल कैफ ने डेब्यू किया है बॉलीवुड में। इससे पहले डेब्यू कर चुकी हैं, वो मूवी बना चुकी हैं बट नॉट इन बॉलीवुड। वो पहले एक इंग्लिश फिल्म कर चुकी हैं। और इजाबेल के बारे में आपको बता दूं, इजाबेल कैफ जो है वो कैटरीना कैफ की सिस्टर हैं। सो जाहिर सी बात है कि इजाबेल का जो डेब्यू कराया है सूरज पंचोली उस मूवी में है और टी सीरीज ने किया है, तो ये किसकी वजह से किया होगा। जहाँ तक है, इसको डेब्यू में काफ़ी हेल्प किया है सलमान खान ने बॉलीवुड में। तो आइए पहले एक बार ट्रेलर देख लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि ये कैसी मूवी है, क्या है। आइए। For the great Bradford Ballroom and Latin Championship. ये तुम बालरूम मालरूम डांस के बारे में कुछ समझते भी हो? ये इसको अंग्रेजों का डांडिया समझे बैठे हो? The reigning two-time champion, William. क्या फर्क पड़ता है फाला के? और वैसे ईशा विलियम के साथ ही खुश है। It's about winning or losing, and I always choose to win. अरे उनकी डांस एकेडमी पे बहुत बड़ा लोन है। हम ऐसे कैसे डांस एकेडमी बंद करें? I lost everything. मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ। ठोक दे किल्ली मनी करने का घाट पर कभी रात भर बैठ के जलती हुई चिता देखी हो? मैंने देखा है, शिव तक पहुंचने के लिए शव को राख बनना पड़ता है। लगता है आपने उसकी लहरों की गिनती पूरी कर दी है, अब उसे मोक्ष मिल ही जाएगा। इस साल तो मुझे ये चैंपियनशिप जीतनी ही है। उनका बॉलरूम हमारे इंडियन क्लासिकल जैसा है, यानी ए बी सी डी। ए बी सी डी एनीबॉडी कैन डांस। Some co-competitions say Abby B. Nikala Jha Sakta Hain. Was that correct Hindi, Navin Singh? Impeccable, Your Ladyship. Good. इन अंग्रेजन के डांस में चैंपियन हिंदुस्तानी होगा। विलियम तुम्हें मेंटली चैलेंज कर सकता है डांस फ्लोर पे। I want to be the reason for their defeat. कंपटीशन तो तू अब हारेगा ही विलियम, जितनी तैयारी करनी है कर ले। It's time to dance, Jana. It's time to dance. फ्रेंड्स, ये था ट्रेलर। ट्रेलर देख करके स्टोरी का काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में कुछ नया कुछ खास है। स्टोरी वाइज अगर मैं बात करूं तो ये पुरानी मूवियों की तरह ही सेम स्टोरी लग रही है कि इसमें जो इजाबेल हैं वो बेसिकली डांस कॉम्पिटिटर हैं, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसमें एक डांस अकेडमी भी चलाती हैं। तो डांस के दौरान या सिखाने के दौरान आई थिंक उनके पैर में जो चोट लग जाती है, उसके बाद फिर जो उनका डांस का सपना होता है, कोई कॉम्पिटिशन होता है जिसके लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं, वो टूट जाता है, कोई उनका साथ नहीं देता, और शायद उनकी जो डांस एकेडमी है वो भी बंद होने वाली होती है। देन फिर सूरज पंचोली का रोल इसमें आता है। सूरज पंचोली इसमें डांस सीखते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब कि वो उससे पहले डांसर नहीं थे जो एज पर मूवी। तो फिर वो डांस सीखते हैं और फिर इजाबेल का साथ देते हैं, एंड फर्दर वही सेम स्टोरी कि
कि एक कंपटीशन होता है लास्ट में और देन ये कपल जो है टर्न डांस कंपटीशन जीत जाता है। तो मूवी में मुझे नहीं लगता कि कुछ खास है और रिव्यूज़ देने लायक कुछ नया नहीं है, स्टोरी वाइज वही है। बस ये है कि इसमें डांस होगा और इजाबेल क्योंकि एक अच्छी डांसर है, उन्होंने डांस की प्रैक्टिस काफ़ी पहले की है और डांस अकेडमी उन्होंने ज्वाइन की है रियलिटी में, तो इसीलिए वो इस मूवी में है। और जैसे कि मैंने इसके बारे में जाना है कि रेमो डिसूज़ा इसे डायरेक्ट भी कर रहे हैं, एक तरीके से डांस डायरेक्टर हैं, तो फिर रेमो के नज़र में ये होंगी और सलमान खान ने अप्रोच करवाया होगा इसलिए इजाबेल इसमें है। इजाबेल कैटरीना कैफ की सिस्टर हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, और जाहिर सी बात है कैटरीना की भी अप्रोच इसमें होगी। टी सीरीज ने इसको मूवी को प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज है, तो भूषण कुमार इसके प्रोड्यूसर भी हुए। इसके अलावा जो लीजल डिसूजा हैं वो भी इसके प्रोड्यूसर हैं। तो मुझे नहीं लगता मूवी कुछ खास है, बट अब एक्चुअल में जब मूवी रिलीज़ होगी तब इसके बारे में पता चलेगा। 12th of March को ये रिलीज़ हो रही है, तो फर्स्ट शो अगर आप देखते हैं फर्स्ट शो तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे भी बताना कि ये मूवी कैसी है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।